जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रमुख आदिवासी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सुदर्शन भगत, समीर उरांव, सुनील सोरेन, अरुण उरांव, दिनेश उरांव, आशा लकड़ा, लुइस मरांडी, शिवशंकर उरांव, गीता कोड़ा, बड़कुंवर गगराई और ताला मरांडी जैसे नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे और इसको लेकर भाजपा के जितने भी सीनियर नेता हैं इनके बीच सहमति बन गई है कि बीजेपी के तरकश में जितने भी आदिवासी नाम हैं जो बड़े तीरंदाज हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि भाजपा आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है। दोस्तों, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह के साथ हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है कि सारे के सारे जो प्रभावशाली आदिवासी नेता हैं वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो अखबारों में, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भाजपा 23 अगस्त के बाद कभी भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है और विधानसभा चुनाव में भाजपा आदिवासियों के लिए 28 जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से कम 8-10 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और पार्टी का जो फोकस है, जो एजेंडा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी और आदिवासियों को लेकर राज्य सरकार की जो बेरुखी है उसको फोकस करने पर रणनीति बन रही है। और जहां तक आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का सवाल है तो 2019 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब रही। आदिवासी सीटों का जहां तक सवाल है, 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 में से सिर्फ 2 सीटें भाजपा लाने में सफल रही थी विधानसभा की। और इस लोकसभा चुनाव में जो कुछ दिन पहले संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर हार गई। तो अब इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है और चुनावी मिशन पर 3 राष्ट्रीय बड़े नेताओं को लगाया गया है। प्रदेश प्रभारी के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं तो चुनावी रणनीति बनाने के लिए, उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया है और असम के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदूवादी भाजपा नेता हिमंता बिश्व शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, पार्टी की बैठकों में यह भी तय किया गया है कि जिस किसी उम्मीदवार में चुनाव जीतने की संभावना दिखाई देगी उसी को टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाने का काम संगठन करेगा और हारे हुए कई पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और उनके साथ साथ एक दर्जन पार्टी नेताओं को ये संकेत दे दिया गया है कि वे विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहें। और यह भी बताया गया है कि जिसकी जहां से जीतने की ज़्यादा संभावना होगी उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। और पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर और चुनाव क्षेत्रों में कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ कौन कमज़ोर है उसको लेकर अलग अलग सर्वे कराए हैं और उन सर्वे के आधार पर हर सीट के लिए 4-4 नामों का पैनल बन रहा है और इन 4 नामों में से किसी एक नाम को चुना जाएगा। तो दोस्तों, अब किसको चुना जाएगा ये तो जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो पता चलेगा, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। ये सीट है जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। जमशेदपुर पूर्वी से फिलहाल सरयू राय विधायक हैं, निर्दलीय चुने गए थे लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। और इस सीट से रघुवर दास 5 बार विधायक रहे हैं लेकिन राज्यपाल बनने के बाद भी रघुवर दास जिस तरह से जमशेदपुर पूर्वी में समय दे रहे हैं, लगातार दौरे उनके लगते रहते हैं, अभी भी राष्ट्रपति के यहाँ बैठक थी राज्यपालों की, वहाँ से रघुवर दास सीधे जमशेदपुर आए और 9 अगस्त की शाम तक यानी 1 या 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक यानी 8 दिन, करीब 9 दिन रघुवर दास जमशेदपुर में रहे। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ
हो रहा है, कुछ न कुछ उनकी मंशा है। और उनके समर्थक भी बार बार ये बातें कहते हैं कि रघुवर दास की झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। तो क्या यह संभावना बन सकती है कि रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से लड़े और सरयू राय जो कि जमशेदपुर पश्चिम से दो बार विधायक रह चुके हैं, तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको जमशेदपुर पश्चिम भेज दिया जाए, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम में उनके समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कैडर वहाँ भी है, और जनता दल यूनाइटेड से लड़ेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की छवि एक सेक्युलर पार्टी की है, तो इसका लाभ भी सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम में मिल सकता है जहां 1,00,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो बहरहाल अब क्या तस्वीर बनेगी, लेकिन तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक चर्चाओं का, अटकलों का, कयासों का दौर चलता रहेगा। तो इधर कांग्रेस भी बैठक कर रही थी, आज दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक थी, झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी बैठक कर रहे थे, और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस 2 सीटें ज़्यादा मांग रही है। इन सीटों में एक पुड़ैया हाट की सीट है जहां प्रदीप यादव विधायक हैं जो पिछले बार JVM के टिकट पर जीत के आए थे, और दूसरी सीट मांडू है जहाँ से BJP के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम लिया था और उन्होंने हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। तो अब उम्मीद है कि JP भाई पटेल मांडू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD और माले के बीच सीटों को लेकर क्या समझौता बनता है, लेकिन भाजपा की सूची कहा जा रहा है कि 23 के बाद जारी हो सकती है, तो इस पर सभी की नज़रें बनी रहेंगी। और इस बीच दैनिक जागरण अखबार की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है, इसके लिए केंद्रीय संगठन में विचार विमर्श चल रहा है। भाजपा के एक बड़े धड़े का मानना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए जाने से मतदाताओं के सामने एक क्लैरिटी रहेगी, स्पष्टता रहेगी और लोग BJP के पक्ष में मतदान करेंगे। हालांकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि नाम घोषित होने से संभावित गुटबाजी और नाराज़गी का खतरा है और केंद्रीय नेतृत्व इसका आकलन कर रहा है कि आखिर नाम घोषित करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगातार हो रही घोषणाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है और किसी आदिवासी चेहरे को सामने लाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश करने वाली है। सियासी जानकारों का मानना है कि ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे प्रमुख है। अनुभव को देखते हुए पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी चुनाव के लिए सक्रिय कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर घोषणा होगी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। सितंबर में चुनाव की घोषणा होने के पहले भारतीय जनता पार्टी झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सभा कराने की भी योजना बना रही है और इस सभा में मोदी भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम लोगों के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्टी का यह मानना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करने से भाजपा को आदिवासी वोटों का लाभ मिलेगा। कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने भी झारखंड भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की थी, उनसे बात की थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा क्या किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है या फिर मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाता है। और रघुवर दास पर भी नज़रें बनी रहेंगी कि उनको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और वो जितना समय जमशेदपुर पूर्वी में दे रहे हैं तो क्या इन चर्चाओं में कोई दम है कि वे उड़ीसा का राजभवन छोड़कर एक बार फिर झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले हैं। दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।